अभी हमारे साथ हमारे हमने गाइड रखा है, इनका गाइड का नाम आपका मसूद खान। मसूद खान ये हमारे कुलदरा गांव के बारे में पूरी डिटेल बताएंगे, जो भी मूवी बनी है कालो, फिर और कौन सी बनी भैया, दीवारें, बहुत सारी मूवी बनी है, फिर चुड़ैलों का घर, अंडरग्राउंड, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सब हमें कवर करके भाई बताएंगे। आप भी सुनना, हम भी सुनेंगे, हमारे लिए भी नया एक्सपीरियंस है। चलो मिलते हैं। आप देख रहे हो ना, ये पूरा आर्टिफिशियल बनाया हुआ है। और भैया ये कब क्या होता है यहाँ पर? डेजर्ट फेस्टिवल होता है मरु मेला। हाँ, 2000 मतलब जैसे 2005 से के बाद ये चालू हुआ है। हाँ हाँ, इसीलिए रिफाई पुताई होती रहती है। अच्छा, फरवरी के महीने मतलब थोड़ा उसको करते रहते हैं अच्छा रखने के लिए, लोग आए हैं फोटो वोटो खिंचाए, रिफाई पुताई होती है। फिर अच्छा विलेज देख रहे हैं ना, इस विलेज का नाम है कुलदरा। ये कुलदरा विलेज एक पालीवाल ब्राह्मण जाति के लोगों ने बसाया था। आज से 200 साल पहले यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मण जाति के लोग रहा करते थे। वो थे तो ब्राह्मण, एक जोधपुर से जिला है पाली, मारवाड़ राजस्थान के अंदर आता है पाली। पाली से आए थे पालीवाल ब्राह्मण जाति के लोग 1291 में, 1291 में जैसलमेर रियासत के अंदर उन्होंने 84 विलेजेस का निर्माण किया था। जो 84 विलेजेस में से जो सबसे बड़ा गांव था उस समय वो ये था कुलदरा गांव, जहां अपन अभी खड़े हैं। एक तरह का धन संपत्ति वाला, राजधानी वाला, एक तरह का कैपिटल विलेज है कुलदरा गांव। इस गांव के पास धन संपत्ति ज़्यादा क्यों हुआ करती थी? क्योंकि इनके पास पुराने समय में सिल्क रूट हुआ करता था। पहले आपको पता होगा भारत पाकिस्तान बॉर्डर एक हुआ करता था, चाइना अफगानिस्तान ईरान से के मल मल का व्यापार किया करते थे, इसलिए इनके पास धीरे धीरे धन संपत्ति आती रही। तो जैसलमेर के राजा ने इनके ऊपर टैक्स लगा लिया। अभी तो हम टैक्स बोलते हैं, पहले लगान और वसूली बोला करते थे। यहाँ पर राजा तो लगान वसूली करने आ सकता नहीं था। राजा ने एक मंत्री रख दिया, उसका नाम था सालम सिंह। उसकी फोर्ट के नहर में हवेली भी बनी हुई है, सालम सिंह की हवेली। सालम सिंह इतना पावरफुल मिनिस्टर था, इस गांव पर अत्याचार करना, ज़्यादा लगान वसूली करना, परेशान करना, उसका नाम था सालम सिंह। उसे लोग इस गाँव वाले जालिम सिंह कहते थे, इतना वो परेशान करता था। एक दिन सालम सिंह अपनी हवेली से जिस कुलदरा गांव में आता है लगान वसूली करने के लिए। पहले क्या रहता था, औरतों में एक प्रथा थी, पर्दा सिस्टम और घूंघट सिस्टम, ये घरों की औरतों को बाहर नहीं जाने देते थे। एक दिन मुखिया की लड़की जिद करके बाहर चली गई, उसे सालम सिंह ने देख लिया और मुखिया से बोलने लगा, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। पहले पालीवाल ब्राह्मण अपनी बेटी अलग कास्ट में नहीं देते थे, आज भी नहीं देते, पहले भी नहीं देते। उन्होंने कहा, हम पालीवाल ब्राह्मण हैं, तुम अदर कास्ट के हो, ऐसे कैसे हमारा धर्म चलेगा, ऐसे हम पालीवाल ब्राह्मणों का धर्म बेस्ट हो जाएगा, हम आपको ये बेटी नहीं देंगे। फिर सालम सिंह बोलने लगा, या तो हमारी धूमधाम से शादी कराओ, ये लड़की तो मैं किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा, या रात में हमला करके लेके चला जाऊंगा, या दिन में सेना भेजकर इस लड़की को उठा कर लेकर चला जाऊंगा। मुखिया जी ने बोला कि ऐसा मत करना, ऐसे हमारे गांव में क्या इज्जत रह जाएगी, हमें 10 मिनट टाइम दीजिए, हम 84 विलेजेस की मीटिंग बुला के फिर आपको जवाब देंगे। ठीक है, फिर सालम सिंह ने 10 दिन का टाइम दिया। पहले इनके पास क्या फ़ोन और व्हीकल नहीं हुआ करते थे, इन्होंने चारों दिशाओं में ऊँट और घोड़े भेजे। 84 विलेजेस की हर एक व्यक्ति को यहाँ पर लाया गया और मीटिंग बनाई, कहा आज इसी बात हो रही है, आज ये सालम सिंह मेरी बेटी उठाएगा, कल किसी और की उठाएगा, इतनी करके अपन सालम सिंह को अपनी कितनी बेटियाँ देंगे, हमें बेटी नहीं, हमें एक ही रात में यहाँ से 84 विलेज गाँव खाली करके निकलना होगा। ठीक है, फिर उन्होंने एक ही रात में यहाँ से 84 विलेजेस गांव खाली करके भारत के हर राज्य में फैल गए, कि किसी को पता नहीं चले कहाँ गए, और 1825 ये गांव खाली पड़ा है। उस समय जो ओल्ड लोग थे, जो बूढ़े लोग, को नहीं चल पा रहे थे, उन्होंने क्या किया, एक लोटा लिया, उसमें जहर डाल के नमक डाल के पी लिया, और बूढ़े लोग इधर मर गए थे। उन्होंने मरते समय एक श्राप दिया था, काम तो यहाँ से कभी चैन से नहीं रह पाए, यहाँ के जो भी दूसरा बसेगा उसकी फैमिली दुख में रहेगी, कभी सुख नहीं आएगी। उनका आज भी श्राप चल रहा है। उनके श्राप देने के बाद जो दूसरे लोग रेगिस्तान में जो दूसरे लोग रहते थे, उन्होंने क्या खाली गांव देखा, अच्छे खासे बने हुए घर देखे, इसके अंदर आके रहना शुरू हो गए। उनमें से किसी का परिवार उजड़ गया, किसी की बेटियां मर गई, उन्हें बाद में पता चला ये हॉन्टेड विलेज श्रापित विलेज है, वापस ही रेगिस्तान चले गए। आज भी इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड नंबर 1 माना जाता है, अभी भी यहाँ पर रात में आवाज़ें गुराती रहती हैं। इसके ऊपर एक पिक्चर ही बन चुकी है जिसका नाम है कालो। वो कालो मूवी पूरे कुलदरा के ऊपर बनी है, कुलदरा के अंदर बनी है।
और यहाँ पर कोई दिल्ली से आया था गौरव तिवारी नाम करके कोई पैरानॉर्मल सोसाइटी से। गौरव तिवारी ने नाइट में कैमरे को लगाए तो कैमरे भी ब्लास्ट हो गए थे। वो भी यहाँ से पागल होकर गया था। फिर उसकी घर में रहस्य में 7 जुलाई 2016 को मौत हो गई थी। गौरव तिवारी घटना होने के बाद जो SI कंडर विलेज आता है उन्होंने पुलिस वाले भी लगा के रखे। दिन में भी रहते और नाइट में गेट के बाहर रहते, इसलिए आज भी यहाँ पर 6:30 के बाद किसी को अलाउड नहीं है। और ना इस गाँव का एक पत्थर उठा सकते हैं। इसका पत्थर गाँव वालों ने यूज किया था, आसपास में रहने वालों ने, उसका पूरा परिवार ही खत्म हो गया। जिस गाँव का एक पत्थर भी नहीं उठा सकते। और ये जो आप लिखा हो देख रहे हो कैफेटेरिया, ये क्या इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी जनरल JSW ने यहाँ पर कैफेटेरिया बनाया था। इस चारों दिशाओं में आपको 5-5 किलोमीटर के अंदर में कोई होटल मिलेगी कि ना, कोई रिजोर्ट मिलेगा, इसलिए इन्होंने कैफेटेरिया बनाया था जो कि रात उनका शुरू होने से पहले गिर गया। यहाँ पर कुछ नया नहीं कर सकते ना कुछ बिजनेस कर सकते हैं कि रात में कैफेटेरिया गिर गया। तो ये स्टोरी आप समझ गए। आइए आगे अपन टेम्पल और चुड़ैल का घर देखते हैं ना। अभी हम चारों रास्ते मिलते से चौराहे बोलते हैं, पहले एक चौपाल बोला करते थे। जो भी मीटिंग बनती थी चौपाल पे छतरी पर बना करती थी। जो पंच बोलते जो मेन हेड वो उधर बैठा करते थे, बाकी आम पब्लिक नीचे बैठा करती थी, इनका मीटिंग एरिया हुआ करता था। और ये छतरी उस समय की पुरानी और इंटरलॉकिंग सिस्टम से बनी हुई है। बिना चूने और बिना सीमेंट के पत्थर को आपस में पत्थर से लॉक किया हुआ इंटरलॉकिंग सिस्टम, और बाकी ये सब नया बनाया हुआ है। आप सामने देख रहे हैं ना, ये समय का पुराना मंदिर है। ये श्री कृष्ण भगवान का मंदिर हुआ करता था। इसका जो स्टेच्यू था वो साथ लेके चले गए, काम नहीं रहे तो हमारे भगवान क्यों रहे, इसलिए साथ लेके चले गए। बस ये खाली पड़ा है, अंदर से पूरा पुराना है, बाहर से थोड़ा बहुत रिनोवेटिव सीढ़ियाँ और ये दरोखे वगैरह भी लगे हुए हैं। ये नाकाशी वाकाशी उस समय की पुरानी है, और ये भी इंटरलॉकिंग सिस्टम से बना हुआ है। इसका जो येलो जो सैंड स्टोन है ना, इसका स्टोन और जैसलमेर जो गोल्डन फॉर सोनार किला है वो सेम स्टोन है उसी समय का ही है। ये भी उसी समय का नेचुरल उस समय का टेंपल है। उसमें एक बॉलीवुड की मूवी है गुप्त, गुप्त में एक सॉन्ग है मेरी खाबों में तू मेरी सांसों में तू, उसमें टेंपल का भी सीन है और इन खंडरों का भी सीन है। इसलिए खाली पड़ा था इसलिए गवर्नमेंट ने फोटो लगा के रखा है। जमाने में इस प्रकार के घर बनाया करते थे, हर घर को मंदिर बांधते थे और हर घर के ऊपर ऐसे एक पत्थर लगाया करते थे। पत्थरों के बीचों बीच गणेश जी का फोटो हुआ करता था। इनको क्या प्रणाम करके घर के अंदर प्रवेश किया करते थे। और पुराने समय में जो घर का जो मेन डोर होता था उसकी हाइट छोटी हुआ करती थी, क्योंकि जो भी आए अपने ईगो बाहर छोड़ के आए घर के अंदर सर झुका के आए, इसलिए छोटे दरवाजे बनाए करते थे। अपने ईगो बाहर घर के अंदर सर झुका के आए। और ये जो आप खंडर देख रहे हैं ये भी उससे उन लोगों के बकान हैं जो राजा के आगे और मुखिया के आगे काम किया करते थे। इनके पास पुराने समय में सीमेंट वगैरह कुछ नहीं होता था, पत्थर के ऊपर पत्थर रख के घर बन जाता था। की पुरानी मुखिया की ओल्ड BMW है, उस समय की पुरानी BMW है। अभी हम कार की पार्किंग बनाते हैं ना, पहले भी अपनी BMW ऐसे गैराज और पार्किंग बनाया करते थे। पहले क्या जिसके पास भी होती थी ना वो गांव का रिचेस्ट मैन माना जाता था। पहले से दूर जाने के लिए तालाबों से पानी और व्यापार करने के लिए इसे यूज किया करते थे। पहले गाँव में एकमात्र ये साधन होता था। और एक राजस्थान राज्य का एक राष्ट्रीय वृक्ष है खेजड़ी, ये उसकी लकड़ी बहुत मजबूत रहती है। इस लकड़ी को दीमक वगैरह कुछ भी नहीं लगती। अच्छा। इसका जो आप रूफ देखेंगे ना ये भी उसी लकड़ी से बना हुआ है, बहुत मजबूत रहता है, ना बारिश में खराब होती है। ये समय की पुरानी है, साक लकड़ी आती है वो है कि उससे भी अलग अच्छी। खेजड़ी का केर सांगरी इसमें उगती है, जो सांगरी होती है राजस्थान का फेमस सब्जी वो इसी में उगती है खेजड़ी का ये लकड़ी है। और ये गेट अभी लगाया हुआ है, क्या इसके ऊपर लोग चढ़ के फोटो पहले नहीं था ना, पहले नहीं था अभी लगाया। आप घर देख रहे हैं ना ये उस मुखिया जी का घर है जिसकी लड़की हुआ करती थी, जिसके कारण 84 विलेज गांव खाली हुए थे। इस घर को पहले हवेली बोला जाता था और आज इसे चुड़ैल का घर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर रात में ज्यादा आत्माएं वगैरह भटकती हैं, नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर ज्यादा रहती है। और इस घर के अंदर जो गौरव तिवारी ने कैमरे लगाए थे जो ब्लास्ट हुए थे, इस गौरव तिवारी घटना होने के बाद यहाँ पर आज तक वाले डिस्कवरी वाले जी न्यूज वाले ABP न्यूज वाले भी आए थे, उनके अंदर कैमरे वगैरह बंद हो गए थे,
बाहर जनरेटर ब्लास्ट हो गया तो वापस ही रात में भाग गए थे। इसके अंदर गौरव तिवारी के अलावा रात में कोई नहीं आया है। और ये घर पुराना, इसमें बस मिट्टी और गोबर से लीप किया हुआ है। पुराने समय में मिट्टी और गोबर से घर बनाया करते थे। गर्मी बहुत ठंडा रहता है, 3 डिग्री तापमान कम रहता है। और ये मुखिया जी का बैठक रूम हुआ करता था, जैसे गर्मी के लिए होता था और सर्दी में सामने वाला, क्योंकि सर्दी में उधर धूप निकल जाती थी और गर्मी में ठंडा रहता था। और पहले क्या गांव की औरतों में एक पर्दा सिस्टम और घूंघट सिस्टम रहता था। औरतें मेहमानों के सामने बाहर तो आती नहीं थी, यहाँ से मेहमानों को पानी भी यहाँ से पकड़ा लिया करती थी। पुराने समय में लेडीज अंदर जेंट्स बाहर, एक तरह का सर्विस विंडो रहता था, पानी भी यहाँ से पकड़ा लिया करती थी। जेंट्स बाहर बैठा करते थे और घर की लेडीज अंदर आ करती थी। और हर आंगन के ऊपर से खुला चौक छोड़ा करते थे। ऊपर से हवा आने के लिए पहले लाइट वगैरह कुछ नहीं होती थी, जो सनलाइट आती थी घर में रोशनी कर दिया करती थी। और ऊपर जो भी नालियों से पानी आता था यहाँ पर स्टोर कर दिया करते थे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। पहले बरसात वगैरह कम होती थी, पानी को वेस्ट नहीं करते थे, बारिश का पानी पीने भी किया करते थे। और ऐसे पिलर लगाया करते थे, जैसे लकड़ी की छतें और घास फूस मजबूत रहा करती थी। और ये उनका एक तरह का पानी का मटका रखने के लिए परिंदा होता था। और ये उनका पुराने समय का किचन हुआ करता था। अच्छा, ये वही किचन है जहाँ से लोग पानी जी, वो यहाँ से पानी वगैरह पकड़ा लिया करते। और ये जो आप सामने जो खिड़की देख रहे हैं ना, पहले गाँव की औरतों के पीछे पर्दा सिस्टम रहता था, औरतें बाहर तो जाती नहीं थी, जाती उनके लिए जो एक ऐसी खिड़की बनाया करते थे। एक तरह का पुराने समय का एक व्हाट्सअप रहता था, यहीं से मैसेजेस किया करती थी, ऐसे आपस में यहीं से बातें किया करती थी। बोलते हैं इन जो अनाज वगैरह होता था इसके अंदर रखा करते थे। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये अंडरग्राउंड लॉकर है। पहले लोगों के पास तिजोरियाँ लॉकर नहीं हुआ करते थे, इसलिए अंडरग्राउंड लॉकर बनाए करते थे। पुराने समय का बेसमेंट है, सोना चांदी इसके अंदर रखा करते थे। और उसके ऊपर एक पत्थर दे देते थे, किसी को पता नहीं चलता था ना सोना चांदी है या नहीं है, इसके ऊपर मिट्टी लगा देते थे। और गौरव तिवारी इसके अंदर जो गया था, कैमरे लगे थे जो ब्लास्ट हुए थे, इसके अंदर गौरव तिवारी के अलावा आज तक कोई नहीं गया है। इसके लिए अंदर पूरा बड़ा है, ये अंदर पूरा घर जैसा बना हुआ है जी। इसके अंदर आप देख एक टॉर्च करके देख सकते हैं, सीढ़ियां वगैरह सब बनी हुई है अंदर हर टाइम पे। जैसे गुफा रहती है उस टाइप का होगा ना पूरा अंदर जी। बाहर लेडीज अंदर, ये लेडीज का गेस्ट रूम है और वो लेडीज का सीसीटीवी कैमरा है, वहाँ पर देखा करती थी कौन मेहमान आया है, कितने मेहमानों का खाना वगैरह पकाना है वहाँ पर देखा करती थी, वहाँ से जो मेन डोर दिखता है। और ये उनका पुराने समय का फ्रिज हुआ करता था, यहाँ पर दूध दही रखा करते थे, कभी खराब नहीं होता था, क्योंकि मिट्टी और गोबर ठंडा रहता है, इसलिए यहाँ पर दूध दही कभी खराब नहीं होता। आज भी हमारे गाँव में ऐसे फ्रिज है। ये जो आप विलेज देख रहे हैं ना, ये पूरा कुलदरा विलेज है। ये विलेज 3 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है और इसके अंदर 525 हाउसेस हैं। मतलब उस समय जो जैसलमेर के अंदर जो ज़्यादा आबादी वाला, जनसंख्या वाला जो गांव था ना, वो ये कुलदरा गांव था। इसलिए गवर्नमेंट ने काली बाउंड्री फेंसिंग की हुई है, इसके अंदर गवर्नमेंट किसी को नहीं रहने देती है। और ये पूरा कुलदरा गाँव है और इन खंडों में बहुत सारी मूवी बन चुकी है, जैसे कि कच्चे धागे हैं, कालो हैं, अशोक संग्रह सीरियल, बादशाह, थिरन, गुप्त, शक्ति द पावर, तो जो रुदाली का सॉन्ग है दिल हुम हुम करे, जो एजेंट विलेज में जो पाकिस्तान दिखा गया है, दीवार हैं, और अभी जो वेब सीरीज आई है अपूर्वा, वो भी इधर इन खंडों में बनी है, जो अच्छा। बहुत मूवी बनती रहती है। लेकिन भैया उसमें ना वो रात का सीन दिखाया था, यहाँ पे जैसे 6:30 बजे के बाद अलाउड नहीं है ना। उन्होंने दिन में शूट किया था जो पर्दे पूरे खंडर जो नाइट में शूट लेना होता था उसके ऊपर काला पर्दा लगा देते थे, फिर ऐसे सेट टाइप बना देते थे, पूरा ब्लैकआउट कर देते,
इसमें रात दिखाया गया है। अच्छा। रात यहाँ पर परमिशन और यहाँ पे मतलब किसी को ना गवर्नमेंट का कोई किसी को भी अलाउड नहीं है, साढ़े छह बजे के बाद। 6 बजे के बाद गेट के बाहर गोश्त का बोर्ड भी लगा देते हैं, अंदर जो जाएगा हमारा जाएगा, इसलिए 6 बजे के बाद किसी को अलाउड नहीं है। आप रास्ता देख रहे हैं ना, ये उस समय का एक पुराना रास्ता हुआ करता था, लेकिन औरतों के पीछे एक पर्दा सिस्टम, घूंघट सिस्टम रहता था, बाहर तो जाती नहीं थी, जाती जिनके लिए अलग रास्ता बनाया जाता था। यहाँ पर आदमी कोई नहीं होता था, सिर्फ गांव की औरतें पानी का मटका वगैरह भरने यहाँ से जाया करती थी। यहाँ से 2 किलोमीटर एक दूर तालाब ही खेते ही करके, यहीं से लेडीज पानी का मटका वगैरह भरने यहीं से जाती थी। और एक कच्चे धागी मूवी का लास्ट आप 22 मिनट का सीन देखोगे, वो भी इस कुलदरा गाँव का है। वो घोड़े यहाँ से आते हैं, जो बम ब्लास्ट होते हैं वो इन खंडर में होते हैं, उसमें कुलदरा का नाम भी लिया गया, बॉर्डर काफी गाँव कुलदरा। और एक दीवार मूवी है संजय दत्त, संजय कपूर, अमिताभ बच्चन, उसका भी लास्ट सीन 29 मिनट का सीन इधर का ही है। बहुत सारी मूवी बनती रहती है। और जो रुदाली का सॉन्ग है दिल हम करे, वो इस दीवार पर शूट हुआ था। हम देखने जा रहे हैं जो अपूर्वा मूवी है, हॉटस्टार वेब सीरीज है हॉटस्टार पे, उसमें जो कुआं दिखाया गया है ना, वो अभी हम देखने जा रहे हैं। मैं हमने भैया को पूछा, उन्होंने बताया कि ये प्रॉपर कुलदरा का कुआं था नहीं, वो तो मूवी के लिए बस उन्होंने बनाया था। और ये आप अभी जो सामने ये सब देख रहे हो ना खंडर, जो अपूर्वा मूवी में प्रॉपर वो बताए थे जिसपे वो दुपट्टा बांधती है और वो सब जो उसमें बताया, वो सब यहाँ का सीन है पूरा। हुआ है जो अपूर्वा वेब सीरीज में दिखाया था, और ये पूरा वही सीन है जहाँ से वो भाग के आती है, फिर वहाँ पे दुपट्टा बांधती है, ये पूरी लाइन क्रिएट करती है। और पीछे जो वहाँ पे पेड़ दिख रहा है उसका, जो वहाँ पे देखो वहाँ से अलग से एक जगह दी है, तो वो जो पंडित मरता है वो भी वहीं मरता है। ये पूरा यहाँ का ही पूरा सीन दिखाया गया है अपूर्वा वेब सीरीज में। बस यहाँ पे हमारा पूरा ये हिस्ट्री का जो हमारी जो हमने जानकारी लेनी थी वो यहाँ पे ख़त्म होती है। और अगर आप कुलधरा आ रहे हो तो एक बार अगर गाइड ले रहे हो तो फिर मैं भाई को रेकमेंड करूँगी, क्योंकि बहुत अच्छे से इन्होंने डिटेल में पूरी हमें बताया, जो बताना चाहिए उसके आगे का भी इन्होंने पूरा कवर करके बताया। तो अगर यहाँ आ रहे हो तो इनसे गाइड लेना। चलो भैया मिलते हैं, थैंक यू भैया, बाय। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ जो अपूर्वा वेब सीरीज शूट हुई थी उसमें जो वो फोन पे बात करती है ना, वो सीधे दिखाती हूँ आपको। बस यहाँ बैठ के ही वो बात करती है छुप छुप के। और ये चीज़ें मैंने आपके लिए कवर कर दी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल द कच्ची व्लॉगर। राधे राधे।